हेलो दोस्तों सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है हम आर्बन सोशियोलॉजी स्टडी करते वक्त अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज करते हैं यानी कि अलग अलग अप्रोचेस यूज करके हम आर्बन सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं आज ऐसा ही एक पर्सपेक्टिव इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को आज हम स्टडी करने वाले हैं हम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि ये पर्सपेक्टिव किसने स्टार्ट किया है और इसके साथ कौन कौन से वो थिंकर हैं जिनको हम लिंक कर पाते हैं हम पहले देखेंगे रॉबर्ट एजरा पार्क के बारे में जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को स्टार्ट करने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो भी देखेंगे फिर देखेंगे मेखेंजी के कंट्रीब्यूशंस फिर बुरगज और देखेंगे लुइस उइर्थ और रॉबर्ट रिडफील्ड का भी कंट्रीब्यूशन ये सारे जो थिंकर्स हैं इनका मेजर कंट्रीब्यूशंस देखेंगे पहले और आखिर में देखेंगे कि ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच या फिर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इसका क्या क्या क्रिटिसिज्म है तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम जब भी अर्बन सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं तो अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज करते हैं और उन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में अलग अलग थ्योरीज होते हैं जो हमें अर्बन सोसाइटी को और अर्बन सोशल स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये जो अर्बन सोशियोलॉजी है ये सिटी और सिटीज़ का जो सोशल रिलेशनशिप है इसका जो स्टडी है ये डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरता है यानी कि हम जब भी प्रीवियस टाइम पीरियड से देखेंगे तो हमारा सोसाइटी की स्टडी को हम डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं पहला है इवोल्यूशनरी अप्रोच यानी कि हम सोसाइटी को या फिर सिटीज़ को इवोल्यूशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि पहले के ज़माने में कैसे सोसाइटीज़ थी उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से मिडावल टाइम में चेंजेस हुए और आखिर में हम मॉडर्न टाइम में किस तरीके का सिटीज़ ग्रो कर रही है उसके बाद हम देखते हैं अप्रोच यानी कि ये एक आइडियल टिपिकल पर्सपेक्टिव है जहाँ पर किसी एक सिटी को मेजर पॉइंट पे रखते हुए यानी कि उसको एक आइडियल मानते हुए बाकी सारे सिटीज़ को स्टडी किया जाता था और आखिर में हमारा आता है इकोलॉजिकल अप्रोच इकोलॉजिकल अप्रोच एक नया अप्रोच है जिसके द्वारा आजकल ज़्यादातर जो अर्बन सोसाइटीज़ की स्टडी हो रही है वो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यूज़ कर कर ही हो रही है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिस सिस्टम है अर्बन कम्युनिटी को स्टडी करने में अब हम आते हैं हमारा इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अर्बन सोशियोलॉजी का जो फंडामेंटल पेमाइस है उसको स्टडी करता है ये हमें जो अर्बन सोसाइटी का अर्बन एनवायरनमेंट का जो भी इफेक्ट तैयार करता है इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट है इसको समझने में हमें हेल्प करता है यानी कि इसका मेन फोकस होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल बिहेवियर के ऊपर रॉबर्ट एजरा पार्क ने ह्यूमन इकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था ह्यूमन इकोलॉजी जो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ उसका जो एनवायरनमेंट है उसको कलेक्टिवली स्टडी करता है यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन पॉपुलेशन को भी इसको इंटर रिलेट करता है और इकोलॉजी जो आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं इकोलॉजी एक ऐसा परस्पेक्टिव है जहाँ पर हम बहुत सारे डिसिप्लिन को एक साथ एकजुट होकर स्टडी करते हैं ये एक मेनली इंटर डिसिप्लिनरी मेथड है इकोलॉजी में हम सोशियोलॉजी भी पाएंगे बहुत सारे सोशल साइंसेस भी पाएंगे जियोग्राफी बायोलॉजी ये सारे चीज़ें भी हमारा इकोलॉजी का पार्ट होता है तो ये जो इकोलॉजी का है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है हमारा अर्बन सोसाइटी को समझने में अब देखते हैं हमारा रॉबर्ट एजरा पार्क का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ये मेनली डेवलप किया ही था रॉबर्ट एजरा पार्क ने रॉबर्ट एजरा पार्क और उनके कुछ कॉलिग्स चिकागो यूनिवर्सिटी में 1950s में ये इकोलॉजिकल अप्रोच को डेवलप किए थे इसलिए ये जो अप्रोच है इसको कहा जाता है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट यानी कि हम जब भी मेनली अर्बन सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर चिकागो स्कूल ऑफ थॉट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस थॉट के स्कूल के अंडर जो भी लोग चिकागो यूनिवर्सिटी से मेनली बिलोंग करते थे उनको ही इसके अंडर बात किया जाता था रॉबर्ट इजरा पार्क ने ह्यूमन इकोलॉजी को ये जो टर्म है ह्यूमन इकोलॉजी इसको ही बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म बताया था ये जियोग्राफी में जिस तरीके से समझाया जाता है वो टर्म नहीं है ये ह्यूमन जियोग्राफी या फिर बायोलॉजी में किस तरीके से स्टडी किया जाता है उसके साथ लिंक नहीं है ये जो जब हम अर्बन सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं ह्यूमन इकोलॉजी ये उन टर्म से थोड़ा अलग हटके टर्म है ये कोई इंडिविजुअल के बारे में स्टडी नहीं करता है ह्यूमन इकोलॉजी हम जब भी सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं तो ये मेनली कम्युनिटी को स्टडी करता है ये आर्थ के साथ लोगों के रिलेशनशिप को स्टडी नहीं करता है ये सोशियोलॉजी में लोगों का रिलेशन और दूसरे जो ह्यूमन बींग्स है उनके साथ उनका क्या रिलेशन है इसको मेनली स्टडी करता है इस वजह से हमारा सोशियोलॉजी में जो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये जियोग्राफी बायोलॉजी और बाकी के जो सिस्टम है उससे थोड़ा हटके है बाकी जो डिसिप्लिन है उससे सोशियोलॉजी का जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा डिफरेंट है अब देखते हैं रॉबर्ट एजरा पार्क ने कम्युनिटी और सोसाइटी के बारे में किस तरीके की बात की है रॉबर्ट एजरा पार्क ने ह्यूमन कम्युनिटी को डबल एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया था उन्होंने कहा था कि एक तरफ से हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है ये एक एक्सप्रेशन है ह्यूमन नेचर का यानी कि लोगों का जो नेचर है इसको एक्सप्रेस करता है ये ह्यूमन सोसाइटी उन्होंने इसको मेनली सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो टर्म है जो डार्विन ने दिया है उसके साथ उन्होंने इसको लिंक करने की कोशिश की थी कि जो भी लोग हैं वो लोग अपने आप को बचाए रखने के लिए यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए ही यहाँ पर रहते हैं और उनका एक्सप्रेशन ह्यूमन नेचर इस तरीके से बनता है कि वो लोग अपने आप को सर्वाइव करने में ही मेनली फोकस रखते हैं और उन्होंने दूसरी तरफ यह बोला था कि इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंसस एंड कॉमन पर्पस कि उन्होंने पहले कहा था कि यह एक ह्यूमन नेचर है और दूसरी तरफ यह एक एक्सप्रेशन है कॉन्सेंस और कॉमन पर्पस कि लोग एकजुट होकर एक साथ होकर यह काम करते हैं ये जो पहले वाला टर्म है इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन नेचर इसको कहा जाता है कम्युनिटी और दूसरा जो है कॉन्सेंसस और कॉमन पर्पस इसको कहा जाता है सोसाइटी रॉबर्ट एजरा पार्क ने कहा था कि हमारा जो स्टडी का मेन पर्पस है वो कम्युनिटी है हम सोसाइटी को मेनली स्टडी नहीं करता है करते हैं इकोलॉजी में हम कम्युनिटीज़ को स्टडी करते हैं अब देखते हैं बर्गिस और मेखिंजी का क्या कंट्रीब्यूशन है अर्बन सोशियोलॉजी में ये जो चिकागो स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पर हम रॉबर्ट एजरा पार्क के अलावा मैखंडी बुर्गिस, लुइज उर्थ रॉबर्ट रेडफील्ड ये सारे प्रोमिनेंट थिंकर्स को भी देखते हैं यहाँ पर हर किसी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर किसी थिंकर को हम अलग अलग क्लासेस में बाद में जाकर सारे थिंकरस को डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम सिर्फ इनका जो ओवरव्यू है यानी कि मेन पॉइंट ऑफ व्यू इसको समझने की कोशिश करते हैं आर्नेस्ट बुर्गिस ने कहा था उन्होंने कॉन्सेंट्रेटिंग जोन मॉडल दिया था यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमारा जो भी चीज़ें है हमारे सिटीज में जो भी चीज़ें चलती है वो मेनली एक सेंटर की तरफ चलता है यानी कि सेंटर से सर्कल बाय सर्कल ये अलग अलग साइड में डिवाइड होता है और वो जो सेंटर होता है उसके तरफ ही सारे चीजें मेनली फोकस करता है फिर McKenzie ने इन्वेंशन और सक्सेशन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था इन्वेंशन यानी कि इन्वेशन यानी कि लोग बाहर से किस तरीके से आ रहे हैं और सक्सेशन यानी कि जो भी लोग माइग्रेट करके गाँवों से शहर की तरफ आ रहे हैं वो लोग एक साथ एकजुट होकर किस तरीके से रह रहे हैं उन्होंने इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था जो हमारे इकोलॉजिकल पर, परस्पेक्टिव को समझने में बहुत हेल्प करता है फिर आते हैं हमारे लुइज उर्थ के बारे में लुइज उर्थ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा था जिसका नाम है आर्बानिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ ये बुक उन्होंने 1938 में लिखा था उन्होंने यहाँ पर थ्री सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीज़ के बारे में बताया था कि हमारा जो भी सिटी होता है यहाँ पर मेनली तीन सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव होते हैं पहला है ह्यूमन इकोलॉजी दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल और जो तीसरा है वो है सोशल साइकोलॉजी और ये जो तीन पर्सपेक्टिव है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है इन लोगों को हम अलग रख कर चीज़ों को समझ नहीं सकते ये तीनों को हमें एक साथ एकजुट होकर ही समझना होगा यानी कि ये लोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है फिर आते हैं हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड के व्यू के बारे में रॉबर्ट रेडफील्ड ने सिटीज को एक वास्ट कॉम्प्लिकेटेड और रेपिडली चेंजिंग वर्ल्ड कहा था उन्होंने फोक सोसाइटी यानी कि रूरल सोसाइटी के साथ अर्बन सोसाइटी का डिफरेंशिएट किया था उन्होंने फोक अर्बन कंटिन्यूम भी दिया था यानी कि किस तरीके से हम फोक सोसाइटी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अर्बन सोसाइटी में डेवलप होते हैं उसके बारे में उन्होंने कहा था ये सारे चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में देखेंगे यहाँ पर हमें एक चीज याद रखना होगा कि रॉबर्ट रेटफिल ने फोक्स सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी में डिफरेंशिएट किया था उन्होंने फोक्स सोसाइटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताया था कि फोक्स सोसाइटी यानी कि रूरल सोसाइटी बहुत ही स्मॉल आइसोलेटेड नॉन लिटरेट और होमोजिनस ग्रुप होता है और इसके ऑपोजिट में जो चीज होती है वही होता है हमारा मेनली सिटी या फिर रूरल सोसाइटी अब ये सारे इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव के जो थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इसका इकोलॉजिकल अप्रोच का तीन मेजर क्रिटिसिजम्स हैं यानी कि इसका प्रॉब्लम भी है जो बाकी जो बाद के थिंकर्स है जिन लोगों ने डेवलप किया था इसका पहला लिमिटेशन है ये ग्रोथ ऑफ द सिटी वाज द प्रोडक्ट ऑफ ऑटोमेटिक फोर्सेस इन्वॉल्विंग कंपटीशन एंड सिलेक्शन ये लोग कहते हैं जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग कहते हैं कि ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ये कहता है कि ग्रोथ ऑफ द सिटी यानी कि हमारा जो सिटीज़ का ग्रोथ है ये ऑटोमेटिक फोर्स है कंपटीशन और सिलेक्शन के लिए लेकिन ऐसा नहीं हो होता नॉर्मली ऐसा नहीं होता है इसके अलावा अलावा भी लोग जो सिटी है वो ग्रो कर सकता है सिर्फ कंपटीशन और सिलेक्शन की वजह से ही सिटी ग्रो नहीं करता है इसके अलावा भी बाकी चीज़ें भी होती है जिसके वजह से हमारे सिटीज ग्रो करती है सेकेंड जो क्रिटिसिज्म है वो कहता है कि स्टेटिस्टिकल यूज़ है जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कोरिलेशन और इंडिविजुअल कोरिलेशन में जिस तरीके का स्टेटिस्टिक यूज़ किया गया है इसमें बहुत प्रॉब्लम है और थर्ड जो क्रिटिसिज्म है वो कहता है कि ह्यूमन एकोलॉजी एक्सप्लेन लोकेशनल एक्टिविटी प्योरली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन यानी कि जो हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच है वो कहता है कि इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन के बारे में ही बात करता है यानी कि हम जब भी सिटीज़ की बात करते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच में वहाँ पर सारे चीज़ें इकोनॉमिकली थॉट करते हैं इकोनॉमी के लिए चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इकोनॉमी की वजह से ही सारी चीज़ें मैक्सिमाइज होती हैं लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है बहुत सारे और फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के अलावा जिसके वजह से हमारे सोसाइटी में या फिर अर्बन सोसाइटी में चेंजेस आते हैं और जो अर्बन सोसाइटी है उसके वजह से चल सकती है ये सारे क्रिटिसिज्म या फिर लिमिटेशन के बाद भी ये इकोलॉजिकल अप्रोच एक कॉम्प्रिहेंसिव थियोरेटिकल अप्रोच है हम जब भी आर्बन सोसाइ सोसाइटी की रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये इकोलॉजिकल प्रोसेस समझने के बाद ही हम आर्बन सोशियोलॉजी को समझ सकते हैं और यहाँ के जो सिटीज का फिजिकल स्पेस है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इसको समझने में हमें इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ही हमें हेल्प करता है इस वजह से इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और उनका जो थिंकर्स है जो रिलेटेड है इनके साथ जैसे रॉबर्ट इजरा पार्क मेखेजी बुरगिस लुइस उर्थ रॉबर्ट रेडफील्ड ये सारे थिंकर्स को भी हमें बहुत अच्छी तरीके से जानना होता है और इनका जो मेजर थ्यूरीज है उनको भी समझना पड़ता है ये सारे जो थिंकर्स हैं इनका मेजर पर्सपेक्टिव से हम अलग क्लासेस में देखेंगे अलग अलग क्लासेस में अलग अलग लोगों को कवर करेंगे आप लोग इस चैनल पे बहुत सारे प्ले लिस्ट है आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना आपको सारे कंटेंट वहां पर मिल जाएंगे तो आज का क्लास यहाँ पर ही खतम खत्म करता हूं आशा करता हूं क्लास अच्छा लगा है अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग और आप लोग कमेंट भी जरूर करना क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे हेल्प मिलता है कि किस तरीके का कंटेंट मैं बनाऊं तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए लोगों में प्यार बांटते रहिए जय हिंद